हमारा आज निम्बस पोस्ट की शुरुआत हो चुकी है एंड आज हम फर्स्ट शिपमेंट्स भेजने वाले निम्बस के साथ। और हम क्या करने वाले, हमने डिवाइड करने वाले शिपमेंट्स को, शिप रॉकेट को कुछ जाएंगे, निम्बस पोस्ट को कुछ जाएंगे। देखो सब 0000 करके चल रहा है, अभी हमने इसको रिचार्ज कर दिया है, हम शिपमेंट शुरू करने वाले हैं। अब अभी थोड़ा सा वो होगा कि कौन से ऑर्डर से कौन से ऑर्डर शिप रॉकेट से आएंगे, कौन से ऑर्डर से कौन से ऑर्डर निम्बस से जाएंगे। अच्छा, मेरे को इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को ये भी बताना है, क्योंकि कई लोगों ने पूछा था, एक तो प्रिंटर दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, और साथ में ये बताना है कि कई सारे टर्म्स होते हैं। कई लोग बोल रहे कि सर हम ना समझ नहीं पा रहे हैं ये जो टर्म्स आप यूज कर रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने एडिटर साहब को बोलेंगे कि वो बताए कि वो किस किन किन टर्म्स से कंफ्यूज्ड है, और वही सब टर्म्स मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा फिर, ठीक है। तो सप्लायर ने अपने जो नया वाला सप्लायर है जिसने कुछ जिसने उसने कौन सा दिया था अपने को ट्रैकिंग नंबर VRL, हाँ, तो उसने VRL का ट्रैकिंग नंबर दिया, साथ में कहता कि सर मैंने ना एक बस वाले से बात करके रख लिया, बस वाला कह रहा है कि वो यहाँ से 3 दिन में पहुंचा देगा। मैं पूछा कि फिर क्या डोर टू डोर डिलीवरी होगी, बस वाला खुद ही नहीं आएगा? कहते वो पता नहीं आपके वहाँ पर क्या होता है, बट प्रॉब्ली आपको बस स्टैंड जाके उठाना पड़ेगा, ये सब कोई सिस्टम है बस थोड़ी सा यहाँ पे टोल। हाँ, तो बेसिकली वो बस से भिजवाएगा, अपने को बस से कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, बट वो कह रहा था कि दिस इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट। फास्टेस्ट तो रहता है क्योंकि बस सीधा, क्योंकि नॉनस्टॉप बस होती है जो यहाँ से लेके वहाँ जाती है। हाँ, और उनका टाइम होता है वहाँ पहुँचने का, तो हमारा बंदा वहाँ पर होना चाहिए फॉर कलेक्शन। हाँ, कर सकते हैं, बट सर मतलब शेडी सा है थोड़ा, इंडिया में माल ऐसे जाता है। ये सिंपल प्रिंटर है ना, इसको यूज करते थे फॉर नॉर्मल पेपर। इसके अंदर क्या करते थे, जब प्रिंट कमांड देते हो ना, जब लेबल्स वगैरह निकल के आते हैं, तो वो ऐसे अगर 100 लेबल्स हैं तो एक पेज पे एक लेबल बन के आता है, 6x4 के साइज का लेबल बन के आता है पूरा, बट वो एक पेज पूरा कवर करता है पीडीएफ फाइल का, ऐसे करके 100 पेजेस होंगे। तो हम क्या करते थे, प्रिंट कमांड जब देते थे 6 पेजेस पर शीट कर देते थे, तो वो 6 लेबल ना एक ही पेज के ऊपर बन के ऐसे प्रिंटर, नॉर्मल प्रिंटर से, लेबल प्रिंटर से बन के आते थे। लेकिन अभी जो अपन सिस्टम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थर्मल प्रिंटिंग वाला। ये TSC का प्रिंटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमने अलग से वो रोल्स वगैरह मंगाए हैं एंड स्टिकर पेपर है वो बेसिकली, तो उसमें सीधा कमांड दे तो वो एक एक बने ही उस साइज़ के हैं अपने, 4x6 से थोड़े छोटे साइज के बने हैं, वो प्रिंट ही वैसे करके होके आ जाते, सीधा उसको निकाला चिपकाया, निकाला चिपकाया। जो मैं बोला ना वन क्लिक चेकआउट वाली चीज़ हो रही है, तो फास्ट क्विक चेकआउट बेसिकली, उसका नाम फास्टर है कंपनी के साथ अपन कर रहे हैं। तो फास्टर शिप रॉकेट की ही कंपनी है, लाइक ओनर पेरेंट कंपनी शिप रॉकेट है, तो उनके पास एड्रेसेस हैं इंडिया के कुछ 140 मिलियन के आसपास एड्रेसेस हैं। ऑब्वियसली यूनिक एड्रेसेस कितने होंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज दे हैव एड्रेसेस उनके पास एक यूनिक एडवांटेज है। तो ये आपका प्रोडक्ट पेज रहा, ठीक है, यहाँ पर आपका फोटो वगैरह है, यहाँ पर आपका ऐड टू कार्ट बटन है। तो देखो ये आपका प्रोडक्ट पेज रहा, ठीक है। तो अब जब कोई ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा, टैप करेगा, ठीक है, तो ना एक पॉपअप खुल के आ जाएगा उसके फोन पे या फिर कंप्यूटर पे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इस पॉपअप के ऊपर बंदा को पहले सबसे पहले डालना पड़ेगा अपना फोन नंबर, OTP कंफर्म, मतलब ये स्टेप वन ही है चेकआउट। उसके उसको सेव्ड एड्रेसेस दिख जाएंगे, उसको दिख जाएगा सेव्ड एड्रेसेस, या साथ में 2 बटन दिख जाएंगे, बाय नाउ विद UPI या बाय नाउ विद COD, और कार्ड्स वगैरह भी होते हैं उनके ऑप्शंस वगैरह। बट यहाँ पर बंदा नया एड्रेस भी ऐड कर सकता है, यहाँ पर बंदा पुराने जो एड्रेसेस हैं उसके ऑलरेडी, जो उसने कभी भी किसी भी वेबसाइट से शिप रॉकेट के थ्रू खरीदा होगा, मतलब किसी वेबसाइट से खरीदा होगा जिसने शिप रॉकेट के थ्रू शिप किया होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होता है, तुम ऑफर वगैरह दे सकते हो कि अगर आपने मान लो 10% ऑफ दे देंगे आपको, या 100 रुपीज़ ऑफ दे देंगे, 50 रुपीज़ ऑफ दे देंगे अगर आप UPI से पे करोगे। इसको लेके ना 2-3 चीज़ें हैं, मेरे को जो मेन देखना है कन्वर्जन रेट क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को देखना है प्रीपेड रेट क्या होता है, प्रीपेड कितने लोग, मतलब कितना परसेंटेज हम लोग प्रीपेड ऑर्डर्स वगैरह में जाते हैं, कन्वर्जन रेट कितना इंपैक्ट होता है, क्योंकि अभी जो करेंटली मेरा सिस्टम है दैट इज गिविंग मी अराउंड 5-6% के आसपास का कन्वर्जन रेट, ठीक है, 5% के आसपास मान के चलो ऑन एवरेज, ठीक है ना। तो ये जो कन्वर्जन रेट है, अगर हो सकता है मैंने इन लोगों को ऐड किया और फिर मेरा कन्वर्जन रेट गिर के 5 से गिर के मान लो 3 हो जाता है, फिर कोई पॉइंट ही नहीं इसको यूज करने का, चाहे मेरे को प्रीपेड ऑर्डर आ रहे हो, ठीक है। बट फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे प्रीपेड ऑर्डर, आई वांट टू सी, अभी करेंटली मेरे 2% है प्रीपेड ऑर्डर, डज इट ग्रो टू 20-30%, ठीक है, तब तो मैं फिर भी बोलूँ कि अच्छा कुछ हो रहा है इसे। अगर प्रीपेड ऑर्डर मेरे 2-3% या 5% ही जाता है, लेकिन मेरा कन्वर्जन रेट गिर के 5% से 3% 3.5% हो जाता है, आई विल बी लाइक नो नॉट एट ऑल। तो वही ना, एक एक करके टेस्ट करना होता है कोई भी चीज, जैसे इन कंपनी के साथ ऑनबोर्डिंग करते हैं अभी, इट वाज लाइक नॉट एन इजी प्रोसेस,
इन लोग जो पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट होती हैं वो रेजर पे से कलेक्ट होती हैं, ठीक है ना। अब रेजर पे से कलेक्ट करने के लिए आपको लाइक उनको ना एक ऑथराइजेशन सा देना होता है कि यू वांट टू ऐड देम एज अ मर्चेंट पार्टनर ऑन योर अकाउंट, तो वो ऑथराइजेशन वगैरह अप्रूव होगा तभी वो ऐड हो पाएंगे। और भी सारे मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, थीम को डुप्लीकेट करा रहे हैं, इनको पूरे कोलैबोरेटर एक्सेस मिला हुआ है, पूरे टेक्निकल इंटीग्रेशन होता है, वो दो तीन दिन तो लग ही जाता है टेक्निकल इंटीग्रेशन में। ओवरऑल प्रोसेस जब आपने साइन अप करना होगा सात दिन के आसपास तो मान के चलूंगा, अभी तक तो ये लग रहा है। लेकिन अब एक विल इट बी वर्थ इट, देखते हैं, क्योंकि अगर नहीं वर्थ इट होगा देखो मेरा थीम ऑलरेडी डुप्लीकेट हुआ है, मैं पुराने थीम पे चला जाऊंगा। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि कन्वर्जन ट्रैकिंग में दिक्कत आती है, तो आई वांट टू सी दैट आल्सो कि फेसबुक या गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही है कि नहीं। अब मैं आपको ये बताना भूल गया, ये लोग अभी करेंटली कह रहे हैं कि हमारे ऑर्डर वॉल्यूम पे ये लोग 1% चार्ज करेंगे ऑन ऑल ऑर्डर्स, ठीक है, चाहे वो सीओडी हो चाहे वो प्रीपेड हो, 1% चार्ज करेंगे। ई कॉमर्स पहले बता चुका हूँ इज ए नंबर्स गेम, आपको अपने नंबर्स देखने, अगर इसके साथ सेंस मेक कर रहा है, इसके साथ इंप्रूव हो रहे हैं आपके नंबर्स, आपका बॉटम लाइन या सारे नंबर्स जो मैंने आपको बताया वो इंप्रूव हो रहे हैं, देन वेल गुड टू गो। अगर नहीं हो रहे, खराबी हो रही है, देन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर कन्वर्जन रेट गिरा बट अगर प्रीपेड ऑर्डर बढ़े तो वॉज इट वर्थ दैट चेंज ऑल्सो, चाहे कन्वर्जन थोड़ा सा गिरा लेकिन प्रीपेड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो मे बी इट इज़ वर्थ इट। तो ये आपको नंबर जब आएंगे फाइनली तभी पता लगेगा, है ना। तो ऐसे करके आपको ट्रैक करते रहना है, जो भी आप कर रहे हो ना थोड़ा एनालिटिकल तरीके से करो इस बिजनेस में, थोड़ा नंबर्स के ऊपर ध्यान दो, तभी जाकर आपको मजा आएगा। ये देखो एक कपड़ा आया है। ये हमारा फोटोग्राफी डिवाइस है जिससे हम फोटो लेने वाले हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम शूट करने वाले हैं, और देखिए जरा कैसे करके होता है। ये देखो ये ऐसे टाइप का शॉट हो गया, एक थोड़ा इंक्लाइन पे ये टेढ़ा करके लिटा दिया और एक सीधा करके शॉट है। अब ये जो फोटोज हैं इनको अपलोड कर दो कैनवा के ऊपर, कैनवा के ऊपर अपलोड करके फिर उसके बाद वो उनका बैकग्राउंड हटा के तो ये पूरा एक PNG इमेज बन जाएगा, जिसके ऊपर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर भी चढ़ा सकते हो इसको, या अगर कोई नॉर्मल भी मतलब कोई अच्छा सा ग्राफिक के ऊपर चढ़ाना चाहते हो कि मान लो कोई किसी लड़की ने इस बॉटल को पकड़ा हुआ है और वो ऐसे करके खुश हो रही है इससे पी के, तो और साथ में यू नो नींबू उड़ रहे हैं और मतलब फ्रूट जूस उड़ रहा है व्हाटएवर, वो सब भी डाल के बहुत अच्छा सा एक बैनर सा एक इमेज सा बन सकता है। फोटोग्राफी एक्चुअली उतनी मुश्किल नहीं होती है, और ये कपड़ा बेसिकली मैंने क्या किया, फोटोग्राफी बैकड्रॉप अमेजन से सर्च किया, 300-400 रुपये का मिला, ठीक है, उसको यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास है मल्टीपल कलर्स में, ठीक है। हमने इसको ऑब्वियसली प्रोफेशनली नहीं किया क्योंकि अभी जैसे ही निकाला इसको वो, इसको अगर आयरन वगैरह करो तो इसके क्रीजेस वगैरह सारे निकल जाते और भी अच्छा हो जाता है, बट मतलब बस आपको फ़ोन चाहिए, बस ये कहने वाला हूँ। तो आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं, नहीं इनफैक्ट क्विज करने वाले हैं हमारे मैनेजर साहब को, और हम देखने वाले हैं कि इनको कितना पता है हमारे बिजनेस के बारे में, और इससे आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, क्योंकि कुछ नया ऑडियंस भी आ गया अपना जिनको टर्म्स ही नहीं पता जिसकी हम क्या बातें कर रहे हैं इन द व्लॉग्स, ठीक है। तो अभी तक कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं इन द लास्ट 7 व्लॉग्स, तो उसको लेके हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो मैंने पूछा अपने एडिटर से, हमने बोला कि यार आप बताओ क्या क्या टर्म्स आप हम बोलते रहते हैं जो आपको पता ही लगता, हमें लगा कि हाँ न्यू लोग जो हैं इन द बिजनेस उनको भी तो ये कन्फ्यूजन आ रही होगी ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे करके हमने लिखा बना लिया लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड साथ में हम एक स्कोर देंगे, और स्कोर होगा आउट ऑफ 10 कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मैनेजर साहब उस टर्म को या उस चीज़ को, तो हम उसके हिसाब से स्कोरिंग करेंगे और बिल्कुल फेयर होने वाला है। एंड अगर ये स्कोर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल, तो टोटल 60 मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। अगर ये स्कोर 50 से ऊपर चला गया तो हम केक भी खाएंगे। जो कि हम सरप्राइज। तो एनीवे अच्छा अब T+2 व्हाट इज T+2? T+2 इज बेसिकली व्हेन एन ऑर्डर गेट्स डिलीवर्ड उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमारे पास में रेमिटेंस आ जाता है। T+2 मतलब T इज द डिलीवरी डेट, +2 इज 1-2 दिन बाद बिजनेस डेज। तो टोटल जब से हमने शिप किया उसके कितने दिन बाद हमारे पास पैसे हैं अकाउंट? 6-7 दिन डिलीवरी के, 6-7 दिन डिलीवरी के बाद में +2 और business days. I would give a score of 9.
अब बोला कि 9 क्यों बोला? हाँ, क्योंकि हॉलीडेज और वो सब एक्सक्लूड करना, मैंने बोला ना बिजनेस डेज, बट भाई हॉलीडे एक्सप्लेन करना था अच्छी तरह, वीकेंड्स हॉलीडेज एक्सक्लूड करना होते हैं, कर रहा था सर, एंड ये T+2 T+8 भी हो सकता है अगर आप शिप रॉकेट में नहीं आने शुरू कर रहे हो, बट T+2 हमें मिले, और बाय द वे मैं शिप रॉकेट का वो बता दो, हमारा 0.15% ऑफ द COD वैल्यू वो लोग लेने वाले हैं एज फी फॉर T+2, मैंने वो एक्टिवेट करा दिया, मेरे को लगा दैट दिस इंक्लूड्स GST, तो इफेक्टिवली 0.12 प्लस GST हो गया, विच इज बेसिकली लाइक जीरो, कुछ बहुत ही कम है, लाइक ऑन 1 CR का तुम्हारा 12,000 rupees का ये फी लेंगे, विच इज नथिंग, है ना, तो दिस इज दैट, एंड देन SEO क्या होता है, कम ऑन यार, ये तो बस बता सकते SEO इज बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि SEO का मतलब होता था कि हम गूगल से रिलेटेड कंटेंट बनाएं, पर अब बेसिकली इट्स ऑल अराउंड यूज़र, यूज़र को जो पसंद आता है गूगल उसको रैंक करता है, इट शुड बी ह्यूमन, इट शुड बी गुड, यही होता है SEO, तो जो कंटेंट अच्छा होगा वो गूगल पे सबसे अच्छा रैंक करेगा किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, और जो कंटेंट अच्छा नहीं होगा गूगल उसको पुश नीचे कर देगा, दैट इज़ SEO इन अ नटशेल। SEO का बेसिकली आपको पता लगी कि क्या होता है कि हम गूगल में ऊपर दिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात है SEO इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इतनी सारी चीज़ें कवर करने वाले, हम इसका 10 का स्कोर कभी भी किसी को भी नहीं दे सकते क्योंकि कोई एक सेंटेंस में बता ही नहीं सकता कि SEO क्या होता है, हम इसका भी स्कोर 9 देने वाले हैं। फिर हम कवर करने वाले हैं फॉरवर्ड फ्रेट क्या होता है, व्हाट इज फॉरवर्ड फ्रेट एंड रिवर्स फ्रेट, दोनों बता दो। फॉरवर्ड फ्रेट इज बेसिकली जो कि हम यहाँ से शिप करते हैं किसी कस्टमर को, वो फॉरवर्ड फ्रेट होता है, उसमें COD का चार्ज इंक्लूड नहीं होता है, अगर कोई ऑर्डर प्रीपेड है तो उसमें सिर्फ फॉरवर्ड फ्रेट लगेगा, बट अगर कोई ऑर्डर COD है तो उसमें फॉरवर्ड फ्रेट प्लस COD चार्जेस लगेगा, एंड रिवर्स फ्रेट जब कोई RTO करता है तो रिवर्स फ्रेट लगता है। अब इन्होंने इस आंसर के अंदर COD, RTO ये नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी जिसके बारे में हमारे दर्शकों को पता ही नहीं है कुछ, तो हम इसके लिए नंबर्स पूरे नहीं दे सकते, नहीं 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 इसको चलो बता दो, COD बता। COD इज़ कैश ऑन डिलीवरी, जब भी हम ऑर्डर बिना पेमेंट करे लगाते हैं, सिर्फ हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, तो उसे कहते हैं COD। बेसिकली उसमें कस्टमर इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड, अगर उसके पास में कल को ऑर्डर आ भी जाता है, वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए, तो उसको कुछ नहीं करना है, वो वापस चला जाएगा, मेजॉरिटी इंडियंस वही करते हैं। उसके अलावा क्या था, मेजॉरिटी नहीं करते अपनी स्टोर पे, मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर, नहीं मतलब मेजॉरिटी इंडियन COD लगाते हैं, मतलब प्रीपेड नहीं करते उस सेंस में, मेजॉरिटी इंडियन। और दूसरा टर्म क्या था, RTO RTO को लेके हम अभी आएंगे, पहले मेरे को इसकी मार्किंग करनी है तुम्हें, फॉरवर्ड फ्रेट को लेके और एक्सप्लेनेशन आ सकता था आई थिंक रिलेटेड टू चार्जेस वगैरह की, फॉरवर्ड फ्रेट रिवर्स फ्रेट के अलग अलग चार्जेस होते हैं एंड दे डिपेंड ऑन कोरियर टू कोरियर, तो आई थिंक इसका भी इनका भी मैं 9 और 9 ही रेटिंग दूंगा, ठीक है, सब में 9 आ रहे हैं हमारे पास अभी, 1, 2, 3, 4, तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है टू ईट केक, सो यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू, तो अभी RTO, वॉट इज RTO, आपने RTO मेरे से इतने बार सुना होगा, इनफैक्ट हाँ चलो, तो RTO क्या होता है सर? ठीक है, तो RTO इज़ बेसिकली फुल फॉर्म अगर बोले तो इसका फुल फॉर्म है रिटर्न टू ऑरिजिन, और इसका मीनिंग ये होता है बेसिकली कि कोई भी ऑर्डर अगर शिप होता है और उसके बाद में कस्टमर किसी भी रीजन से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो ऑर्डर रिटर्न आ जाता है, कोरियर उसको वापस से रिटर्न करता है। अब ये क्यों होता है, ये होता है COD की वजह से, कोई कोई कस्टमर्स लगा लेते हैं ऑर्डर, उसके बाद में वो कहते हैं यार हमारे को चाहिए ही नहीं, तो इसको वापस ले जाओ, मेरे बच्चे ने गलती से ऑर्डर कर दिया, कुछ भी फलाना ढिकाना रीज़न, ठीक है। उसके अलावा कई बार कस्टमर इनकम्प्लीट एड्रेस भी डालता है, उसने अपना हाउस नंबर नहीं डाला, या मान लो कोई ऐसा एड्रेस था जहाँ पे पिन कोड के बाहर का एड्रेस था बट उसने कोई और दूसरा पिन कोड डाल दिया, ठीक है, तो उस केस में भी वो रिटर्न होता है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से वो वापस आता है सेलर के पास में। यार इसका तो मुझे 10 देना पड़ेगा, देखो ऐसी बात है, इसका तो हम 9.5 नहीं, इसका तो पूरा 10 जाने वाला है, ये सारा एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन थी RTO को लेकर तो अब तक दूर हो जानी चाहिए, और RTO से रिलेटेड क्वेश्चन ये फाइनल हमारा क्वेश्चन होने वाला है रिलेटेड NDR, ठीक है। और बाय द वे गाइस, आप लोगों को कैसा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है और ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं? मेरे को तो लग रहा है मेरी नौकरी जाने वाली, एजुकेटर हम इन्हीं को बना देते हैं, है ना, ठीक है, तो ओके बाय, चलो NDR क्या होता है सर? NDR क्या होता है? NDR इज़ नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। बेसिकली जो भी ऑर्डर्स डिलीवर नहीं होते हैं उनको हम अटेम्प्ट करते हैं, मतलब मान लो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करा, उसमें डिलीवर नहीं हुआ, फिर वो वापस से डिलीवरी वालों के वेयरहाउस पे चला गया, कुरियर वालों के, फिर उसके बाद हम हमारे पास में कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो सारे NDR वालों को कॉल करती है कि सर आपने क्यों नहीं लिया, आपका एड्रेस बता दो, कन्फर्म कर दो,
तो मान लो कि वो घर पे नहीं थे या उनका एड्रेस गलत था, वो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, एड्रेस सही करते हैं और फिर से हम उस पर अटेम्प्ट करते हैं। आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स वो ऑर्डर आरटीओ हो जाता है, तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद हम आरटीओ ले लेते हैं। तो एनडीआर एक ऐसा तरीका है कि जो ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए तो हमें वो चांस मिलते हैं कि हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, और 3 अटेम्प्ट्स होते हैं डिलीवर करने के, तो फिर हम कॉल करके कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि प्लीज़ आप बता दें, या कोई करेक्शंस कर सकते हैं ऑन देयर बिहाफ, ऑन देयर एड्रेस, ऑन देयर फोन नंबर या जो भी डिफरेंट हो, जस्ट टू मेक श्योर कि ऑर्डर डिलीवर हो जाए। तो ये हमारा एनडीआर हो गया। इसको लेके मैं आपको 9 का स्कोर दे दूंगा। इसके लेके ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको लेके बहुत डिस्कशन हो सकती है आगे। तो टोटल हमारा स्कोर बना आई थिंक 55 के आसपास हो गया हमारा स्कोर, विच इज एक्सीलेंट। सो वी आर गोइंग टू हैव गाइज, आपको कैसा लगा हमारे मैनेजर साहब का पूरा एक्सप्लेनेशन? आई थिंक इज लर्निंग वेरी वेल, ही केम हेयर टू लर्न ऑल्सो एज वेल एज हेल्प मी, बट ये अपनी अपना खुद का भी ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, तो आई एम होपिंग कि आप राइट पाथ पे, दिख रहा है मुझे कि आप जा रहे हो, ठीक है। सो एनी वेज, आपको ये सब चीज़ें पहले भी पता ही होंगी, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन कई कई नई चीज़ें भी आ रही हैं, कई कई नई चीज़ें नई नई चीज़ें आ रही, करेक्ट। तो अभी अगर कोई कन्फ्यूजन हो और कोई टर्म्स को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो, हम फ्यू व्लॉग्स के बाद एक और ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम टर्म एक्सप्लेन करें, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ अगर आपको कोई ऐसे टर्म्स हैं जो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, जिसे हम आपको हेल्प कर पाए।